बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं तुहाडा अपना जवाद अहमद धाड़ीवाल। तुसी वेख रहे हो पंजाब वासी। पंजाब वासी दे नाल जुड़े मित्रां नूं मुहब्बत प्यार भरिया सलाम ते चढ़दे पंजाबियां नूं सत श्री अकाल जी। उम्मीद करदा हाँ तुसी सब ठीक हो गए। अज साडे नाल मौजूद है पंजाब दी उह शख्सियत जिन्हां दा तअल्लुक सियासत नाल है जी। तीन वार कम तरीन मुद्दत विच पार्लीमेंट दे मैंबर बन के इन अपना रिकॉर्ड कायम कीता है जी। साढ़े नाल मौजूद ने मलक रशीद अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया तुसी पंजाब वासी विच टाइम दिता। तो बाबा जी, सवाल साडा पहला ये आ, वालद साहब सियासत विच, तुसी खुद सियासत विच, तुहाडे भांजे भतीजे ते हुण तुहाडे बेटे भी वह भी सियासत विच इन हो रहे हैं। बाबा जी, ये खानदानी शौक है या बजुर्गों के कहने पर सियासत कर रहे हो? मेरे लिए ये बड़ी एजाज की बात है कि मेरे वालद तारीख़े पाकिस्तान के कारकुन सन। उन्होंने पाकिस्तान के क्याम दे विच अमली तौर पर कैद आजम रहमतुल्लाह अलैह की क्यादत दे विच तारीख़े पाकिस्तान च हिस्सा लिया और पाकिस्तान के क्याम तो पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लाहौर के बिला मुकाबला मैंबर मुंतखब हुए। इलाके दे विच उन्होंने इंथाई इज्जत की निगाह नाल वेख्या जाता सी। लोग उन्होंने बड़ी कदरों मंजलत करते सन। लोगों के परें पंचायत के जोड़े मामलात होंगे सन उन्होंने डेरे पर बैठ के मेरा बड़े लोगों की गलबात सुन तो बाद हल करते सन। वो वजह सी कि पूरे इलाके अल्लाह की मेहरबानी के नाल बहुत इज्जत समझी जाती सी। और पाकिस्तान बन तो बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लाहौर के इलेक्शन दोबारा हिस्सा लिया। कामयाबी तो बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लाहौर के वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। तो मैं समझना ये चीज़ बुनियादी तौर पर सानू अपने वालद साहब को मिली और उस तो बाद उन्होंने जिस तरह लोगों की खिदमत की असी समझने अज तक असी समझने। मेरा भाई हाजी सरदार खान तीन दफा सूबाई असम्बली का मैंबर मुंतखब होया। उस तो बाद मेरे भतीजे जिस तरह तुसी फरमा रहे हो, मेरे भतीजे मुंतखब होए, मैं मुंतखब होया। तो मैं समझना ये साढ़े वालद साहब ने जड़ा एक काम शुरू किया सी असी उस उसकी आबियारी कर रहे हैं। असी कोशिश कर रहे हैं कि इस हल्के के अवाम जड़े ने उन्होंने मायूस ना किया जाए। हर मौके पर इस हल्के के अवाम की खिदमत करना असी अपना फर्ज समझने और कभी भी इंशाल्लाह कोताही नहीं। बाबा जी, ला किया साढ़े पंजाब की तारीख में, होर भी असी वकील वेखीए सियासत दे विच बहुत इन है, एक की वजह है कि वकीलों नूं ही ज़्यादा सियासत आती या कोई शौक यही जिहा वकीलों नूं चढ़ जांदा है जी? जितों तक मेरा तलक है, मैं 1976 दे विच कानून की डिग्री हासिल की और 78 दे विच मैं डिस्ट्रिक्ट बार कसूर का पहली दफा सैकटरी जनरल मुंतखब होया। 79-80 दे विच दोबारा मैं सैकटरी जनरल मुंतखब होया। 3-4 साल जी मैं वकालत की, मैं देखता सा कि जिस तरह मेरे वालद जड़े ने अपने हल्के दे अवाम की खिदमत दे विच मसरूफ रहिंदे ने, तो मैं अपने आप नूं महसूस किया कि मैं भी लोगों की उस अंदाज दे विच खिदमत कराँ। वो थाने कचहरी दे विच जिन्हें भी लोगों के मामलात होंदे सन उन्होंने कोशिश करता सा कि उन्होंने अच्छे अंदाज नाल खुश असलूबी नाल निपटा दिता जाए। और 4 साल तो बाद मैं वकालत दे पेशे तो अलहदा होके मैं सोचा, मैं क्या अगर लोगों की खिदमत करनी है तो मैं फील्ड च रह के ज़्यादा कर सकांगा। जितों तक तुहाडे सवाल का तलक है, मैं समझना कि ला करन तो बाद कानून तो इंसान नूं वाकफियत काफ़ी हद तक होंदी है और कौमी असम्बली दे विच क्योंकि आइन साजी जी करना जोड़ा है वो ही सब तो बड़ा काम है। तो मैं समझना कि वकील जड़े ने मेरा मतलब काफ़ी अच्छा और मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। पंजाब की तारीफ में तुम वो पहले शख्स हो जिन्हें कम तरीन मुद्दत में 3 वार कौमी असम्बली के मैंबर मुंतखब हो। बाबा जी, की वजह है आवाम थोड़े इन्ना प्यार क्यों कर दी? मैं पहले भी अर्ज की है कि जितों तक मेरा तलक है, मैं 97 का जो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़िया सी तो उस वक्त नॉमीनेशन पेपर दाखिल करने तो पहले मेरे हल्के दे अवाम
सैकड़ों की तादाद इतने डेरे इकट्ठे होंदे रहे। उन्होंने ख्वाहिश थी कि मैं सूबाई असैम्बली का इलैक्शन लड़ा और जिस वक्त सूबाई असैम्बली के इलैक्शन वास्ते मैं नॉमीनेशन पेपर दाखिल किए तो मेरी इलैक्शन कंपेन जी वो मैं नहीं स चला रहा बल्कि इस हल्के अवाम चला रहा सर और वजह यह सी कि मेरा जड़ा लोगों के नाल तलक सी या मेरे वालद या मेरे खानदान दी जी खिदमात सन वो पेशे नज़र जड़ा है हल्के अवाम जड़े ने वो मैनू मेरा मतलब इस हद तक पजीराई बख्श रहे सन कि मैं सच्ची गल है मेरे को अल्फाज नहीं मैं किस तरह बयान कर सकता। मैं कई मुआवजात ऐसे सन जिन्हों के इलेक्शन कंपेन के मैं जा भी नहीं सकिया लेकिन उन्होंने मुआवजे भी दो तिहाई अक्सरीयत नाल मैं कामयाब होया और मैं समझना ये अल्लाह ताला की करम नवाजी सी और इस हल्के अवाम का मेरे नाल प्यार सी मुहब्बत सी जदों के उतों सियासी कुवत सारिया मेरे खिलाफ कट्ठिया सन और मैं ये जिस कदर भी उन्होंने शुक्रिया अदा करा कर। बाबा जी तुसी एक सियासी नुमाइंदे हो आवाम दे विच इन रहिंदे हो इस टाइम आवाम दे उत्ते की बीत रही है महंगाई सब्जियां तो ला के चीनी ते गंदम तक आटे तक आवाम नू नहीं मिल रही की कहो दे तुसी इहदे बारे आया इमरान खान महंगाई नू कंट्रोल कर सकदा है या नहीं जी? जितों तक इस हुकूमत दा तलक है मैं समझना कि मौजूदा हुकूमत जिहड़ी इस दे विच बुरी तरह नाकाम हुई और महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि लोगों दे कोल दो वक्त की रोटी खानी मुश्किल हो गई है। जितों तक आटा दाल चीनी का तलक है 72 सालों के विच जिहड़ी कीमत आटे की हुई सी 2 सालों के विच उहदे तो दुगनी हो गई। इस तरह चीनी जिहड़ी है वो 55 रुपए 72 साल के विच अगर हुई है तो अज 155 रुपए 2 साल 155 रुपए तक चली गई है। दाल घी वगैरह जड़े ने उन्हां दी कीमतों भी इस तरह इजाफा हो रहा है। मैं समझना कि बिजली के बिल जड़े ने उन्हां दे विच बेताशा इजाफा होया है पेट्रोल दीआं कीमतां च इजाफा होया है जदों के आम आदमी की तनखा दे विच कोई इजाफा नहीं या मजदूर की जिहड़ी जिहड़ी दिहाड़ी उहदे विच कोई मेरा मतलब इजाफा नहीं होया तो जदों लोगों के म्यारे जिंदगी दे विच कोई तब्दीली नहीं आई लोगों की तनखा दे विच इजाफा नहीं होया लोगों के वसैल दे विच इजाफा नहीं होया लोग अज कसम पुरसी की हालत दे विच ने लोगों नू अदवियात जिहड़ियां 200% 300% महंगीआं हो चुकियां ने। मैं समझना आम आदमी गरीब आदमी बेहद परेशान है और इस हुकूमत नू बददुआवां दे रहा है और ये हुकूमत दे कोल कोई तोड़ नहीं आने वाले वक्त दे विच वी ये कीमतों के कमी नहीं कर सकती अगर वो कहते हैं तो झूठ है। पार्टी कायद मियाँ मुहम्मद नवाज शरीफ साहब गए तो इलाज की गरज वास्ते दूसरे मुल्क सन लेकिन हुण उत्थे जाके खूब सियासत कर रहे हैं आया कि हुण जिदा सियासत कर रहे हैं इत्थे मुल्क वापस आके अदालतों का भी सामना करन दे या नहीं जी? जितों तक मियाँ साहब का तलक है मैं समझना कि मियाँ नवाज शरीफ ने जितना अदालतों का सामना किया है इन्ना पाकिस्तान की तारीख दे विच किसे कैद ने नहीं किया। उन्हां दियां 160-170 दे करीब पेशियां हुई और जिहड़े मुकदमे दे विच उन्हां नूं सज़ा दित्ती गई वो अकामां दी बुनियाद ते उन्हां नूं सज़ा दित्ती गई जदों कि जिहड़े उन्हां दे खिलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग या दूसरे मुकदमा जिहड़े साबित ना हो सके। मैं समझना कि अज भी मियाँ नवाज शरीफ जिस हालत दे विच इत्थों गए सन बीमारी दी हालत दे विच मौजूदा हुकूमत दीआं तमाम टिबी टीमां दे मुआयना करन तो बाद रिपोर्ट चैक करन तो बाद उन्हां नूं बाहर जाण दी इजाज़त दित्ती गई और अदालती हुक्म दे तहत बाहर गए और अज भी मियाँ नवाज शरीफ अदालतों का सामना करन तो किसे वक्त भी नहीं घबराया गया। इंशाल्लाह वो जदों इलैक्शन हो रहे सन वो अपनी बेटी नू नाल लै के अपनी बीवी नू बिस्तरे मरग ते छड़ के ते मुल्क दे विच आए सन और उन्हां नू गिरफ्तार कर लिया गया और हुण बीमारी दी हालत च अगर गए ने इस वक्त पूरी पार्टी दी ख्वाहिश है कि वो इलाज मुकम्मल करके मुल्क वापस आन
और जिस वक्त उन्होंने इलाज मुकम्मल होएगा जिस वे उन्होंने हार्ट सर्जरी होएगी उस तो बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस आएंगे और अदालतों का सामना भी करेंगे। जी जिदा कि तुम बाबा जी दी गल्लां सुनिया उम्मीद करते हैं तुम्हें पसंद आई होंगे, इन ही सानू इजाजत दो, अल्लाह निगहबान।